बीते कई सप्ताह में राज्य में हुई कई नृशंस हत्याकांड को लेकर चर्चा का केंद्र बने रहने के समय ही चबुवा हाथी चाय बागान में 18 जून को एक चिकित्सक पर आक्रमण की कोशिश किए जाने की घटना को लेकर तीव्र सनसनी फैल गई। घटना की प्राप्त जानकारी के अनुसार अन्य राज्य से आई एक युवती बरबरुआ स्थित क्वारंटाइन सेंटर में रहकर हाथी चाय बागान स्थित अपने घर पहुंची थी, जिसके बाद सरकारी प्रमाण पत्र और निर्देश के अनुसार चाय बागान के चिकित्सक डॉक्टर ए अली ने युवती को घर में रहने की अनुमति प्रदान की, लेकिन कई स्थानीय युवकों ने युवती को घर जाने के दौरान बाधा पहुंचाते हुए चिकित्सक को ढूंढते हुए अस्पताल पहुंच गए। इस दौरान उनके हाथ में धारदार हथियार देखकर चिकित्सक डॉक्टर ए अली हॉस्पिटल के अन्य कर्मियों के सहयोग से किसी तरह वहां से निकलकर चाय बागान स्थित अपने घर में जाने में सफल रहे। इसके बाद उदंड युवकों द्वारा चिकित्सक के घर पर पथराव करने के साथ ही अश्लील शब्दों के साथ घर के बाहर से ही उन्हें चेतावनी देने का आरोप भी चिकित्सक डॉक्टर ए अली ने लगाया है। चिकित्सक ने तुरंत इस घटना की जानकारी स्थानीय चबुवा पुलिस को दिया, जिसके बाद घटनास्थल पर पुलिस के उपस्थित होते ही पुलिस को देख उदंड युवकों का दल वहां से भाग निकला। इसी बीच एकांश स्थानीय लोग पुलिस के समक्ष उक्त युवती को चाय बागान स्थित उसके घर में प्रवेश नहीं करने देने की मांग को लेकर जमकर बवाल मचाने लगे। पुलिस ने किसी तरह माहौल को शांत करते हुए भारी सुरक्षा के बीच उक्त युवती को उसके घर में पहुंचाया। इधर चिकित्सक डॉक्टर ए अली द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकता के आधार पर चबुवा पुलिस ने घटना में जड़ित एक युवक को गिरफ्तार करने के साथ ही मामले की जाँच में जुटी है। इसके साथ ही चिकित्सक ने प्रशासन से उन्हें सुरक्षा मुहैया कराने का अनुरोध किया है। স্বামীগৰাকী ঘৰলৈ বুলি কৈছিলে যাওঁতে ৰাস্তাত কিছু সংখ্যক লোকে আগুৰি ধৰি বাটতে আগুৰি ধৰি তেখেতক আলেদি গাঁৱলৈ সোমাব নিদিয়ে যে কোনে পঠালে তেখেতলোকে তেতিয়া ক'লে যে হস্পিটেলৰ পৰা আমাক ছাৰে পঠাইছে ডক্টৰ ছাৰে অলৰেডি এটা পঠাইছে তো পঠাইছে বুলি কোৱাৰ লগে লগে তাত কিছু সংখ্যক মানুহে অলৰেডি এটা হুলস্থুল কৰি তো তাৰে দুই চাৰিজনমান ল'ৰা ডাইৰেক্ট মোৰ হস্পিটেললৈ আহে তো আহোঁতে মই লগালগ কথাটো গম পাইছিলোঁ যে মোৰ তাত অলৰেডি অকণমান হাই হুলস্থুল জেং জেং টাইপৰে কৰিবলৈ আহিছে তো মই হস্পিটেলৰ পৰা মই চিধা মোৰ নিজৰ বাংলোটো ওচৰতে আছিলে গুচি গ'লোঁ গৈ বাংলোলৈ তো বাংলোত যোৱাৰ পিছত ঠিক কিছু সময়ৰ পিছতেই অলৰেডি এঠাচ কেইবাজনো ল'ৰা আহে ল'ৰা আহি পেলাই বাহিৰৰ পৰা খুব চিঞৰিছে আমাৰ হস্পিটেল চকীদাৰ আছিল যদিও তেখেতলোকক কণ্ট্ৰল কৰিব পৰা নাছিলে তো নথকাৰ অৱস্থাত তেখেতলোকে অলৰেডি এঠাচ ডাউ বা এনেকুৱা কটাৰীজাতীয় বস্তু লৈ আহি প্ৰথমতে গেটত অলৰেডি গেটখন ভাঙিবলৈ মোৰ চেষ্টা কৰিছিলে তো চেষ্টা কৰাৰ পিছত তাৰপিছত যেতিয়া ভাঙিব নোৱাৰাত অলৰেডি এঠাচ বাহিৰৰ পৰা শিলাবৰ্ষণ অলৰেডি কৰিবলৈ লাগিলে তেতিয়া মোৰ গেট চেট ভাঙি মানে ভিতৰলৈকে অলৰেডি শিলাবৰ্ষণ হৈছিলে